हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फिर से एग्ज़ाम पॉइंटर की वीडियो लेके आए हैं। इसके पहले हमने एग्ज़ाम पॉइंटर की जो हम सीरीज चला रहे हैं एग्ज़ाम पॉइंटर यूथ कंपटीशन बुक से, हमने उस पर 4 राइटर्स को भी कंप्लीट कर लिया है और मीटर स्टैंजा ये सारे ही कंप्लीट हो गए हैं। आज हम सिनोनिम्स की वीडियो देखेंगे। ये हमारी सिनोनिम्स की वीडियो है जिसमें हमने वो भी कवर कर लिया लैंग्वेज से जो क्वेश्चन थे, ग्रामर के क्वेश्चन, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव एट्सेट्रा, इन सारे से क्वेश्चन थे वो भी हमने कवर कर लिया। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। आज हम उसी बुक से सिनोनिम की वीडियो देखने जा रहे हैं। ओके, सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? द मीनिंग ऑफ द वर्ड इंडिग्नेशन। इंडिग्नेशन का मीनिंग क्या है? तो यहाँ पे इंडिग्नेशन मतलब क्या होता है? कोई चीज़ बहुत ज़्यादा गुस्से में होना, मतलब एंगर विथ सरप्राइज। क्या होता है एंगर विथ सरप्राइज? मतलब गुस्से में ही रहना और सरप्राइज होना, सरप्राइज्ड होना। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, एंगर विद सरप्राइज। यहाँ पे भी वही चीज़ बताया हुआ है इनबॉक्स में, एंगर विद सरप्राइज इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड गिवन इंडिग्नेशन। ये आपका UPTGT 2021 में आया हुआ था। और भी मीनिंग का है, डिग्निटी मतलब क्या होता है? गौरव गरिमा मर्यादा, यानी कि काम सीरियस बिहेवियर दैट मेक्स अदर पीपल रिस्पेक्ट यू। डिस्गस्ट का क्या होता है? घृणा, इसको आप अवर्जन भी बोल सकते हो। डाइवर्जन मतलब होता है परिवर्तन। ये बाकी ऑप्शन का बताया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज़ द करेक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड अपोजिट? अपोजिट की करेक्ट मीनिंग क्या है? ये भी आपका UPTGT 2021 में आया हुआ है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? अपोजिट का करेक्ट है, अपोजिट मतलब क्या होता है? उचित, मतलब उचित होता है। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सुटेबल। सुटेबल मतलब भी होता है उचित। तो इसको आप लोग फिट भी बोल सकते हो, FIT, फिट। और आप लोग इसको एलिजिबल भी बोल सकते हो, इसकी अगर सिनोनिम में जाएगा इस मीनिंग का तो एलिजिबल भी बोल सकते हो। ओके, यहाँ पे जो मीनिंग थी इंडिग्नेशन, सॉरी एक मिनट, थोड़ा सा यहाँ पे समय लूँगी। इंडिग्नेशन जो मीनिंग थी, इसका मतलब होता है क्रोध या आक्रोश। इसका अगर सिनोनिम जाएगा तो सिनोनिम आप इसका कर सकते हो फ्यूरी। आप इसको मैलेडिक्शन भी बोल सकते हो, एडवर्स भी बोल सकते हो, फ्यूरी बोल सकते हो। ओके, मतलब क्रोध या आक्रोश। अपोजिट मतलब होता है उचित। तो इसको आप लोग फिट या एलिजिबल ये सारे वर्ड बोल सकते हो। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर सुटेबल हो जाएगा। और भी मीनिंग देख लेते हैं। कॉन्ट्रेरी, कॉन्ट्रेरी मतलब क्या होता है? विरोध करना। ठीक है, क्या होता है? विरोध करना। इसको आप लोग अगर इसका सिनोनिम है तो अपोजिट या फिर अगेंस्ट। ओके, तुम्हारा करेक्ट आंसर क्या था? डी। यहाँ पे भी वही चीज़ बताया हुआ है, समथिंग सोइंग आर सेइंग द अपोजिट डिफरेंट, मतलब यूज टू टॉक अबाउट टू आर मोर सेपरेट थिंग्स ऑफ द सेम बेसिक काइंड, डिफरेंट उसे बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिनोनिम ऑफ इकोनॉमिकल? यहाँ पे पूछा है कि इकोनॉमिकल का कौन सा इसमें सिनोनिम नहीं है। ओके, यानी कि तीन है, एक नहीं है। ये आपका हरियाणा PGT 2019 में आया था। तो इकोनॉमिकल, इकोनॉमिकल मतलब होता है किफ़ायती, सस्ता या कम खर्च। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा नहीं है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, एक्स्ट्रावेगेंट। एक्स्ट्रावेगेंट मतलब होता है ज़्यादा खर्च करना, ज़्यादा खर्च, और ये आपका नहीं है। प्रूडेंशियल, थ्रेप्टी, फ्रूगल, ये इकोनॉमिकल का क्या है? सिनोनिम्स है। इन सब का भी मतलब होता है किफ़ायती, सस्ता, कम खर्च, इन सब का भी मतलब होता है। बट इसका अगर अपोजिट देखा जाएगा तो एक्स्ट्रावेगेंट, एक्स्ट्रावेगेंट मतलब होता है ज़्यादा खर्च। तो यहाँ पे वही चीज़ बताया हुआ है, एक्स्ट्रावेगेंट इज नॉट अ सिनोनिम ऑफ इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल मीन्स नॉट यूजिंग अ लॉट ऑफ फ्यूल, मनी, स्पेस एट्सेट्रा। प्रूडेंशियल, थ्रेफ्टी एंड फ्रूगल आर द सिनोनिम ऑफ इकोनॉमिकल। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिनोनिम ऑफ इम्प्रॉम्प्टू? इसमें पूछ रहा है कि इम्प्रॉम्प्टू का कौन सा सिनोनिम है। तो इम्प्रॉम्प्टू मतलब क्या होता है? बिना पहले सोचे हुए। जैसे हम कोई भी काम करते हैं बिना सोचे समझे, कोई भी किसी चीज़ की तैयारी करना है हमको तो बिना सोचे, जैसे हम वो पढ़ते हैं ना एक्सटेम्पर। एक्सटेम्पर क्या मतलब होता है? बिना तैयारी किए हुए कोई स्पीच देना, उसी को बोलते हैं इम्प्रॉम्प्टू। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? स्पॉन्टेनियस। क्या हो जाएगा? स्पॉन्टेनियस। ओके,
और भी देख लेते हैं, प्रीमेडिटेटेड मतलब क्या होता है, सोच समझ कर या जानबूझकर कोई चीज़ करना, सोच समझ के करना। ओके, कंसिडर्ड मतलब मानना, और रिहर्स्ड ये सब पता ही है, अभ्यास करना। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। ओके, इसका हो जाएगा ये जो है प्रीमेडिटेटेड मतलब सोच समझ कर करना, जानबूझकर। इसको आप इंग्लिश में अगर इसका सिनोनिम देखेंगे तो आप पर्पसफुल भी बोल सकते हैं। खैर, हमारा यहाँ पे आंसर क्या था इम्प्रॉम्प्टू का, स्पॉन्टेनियस। आप इसको स्पॉन्टेनियस भी बोल सकते हैं इम्प्रॉम्प्टू का सिनोनिम, और आप इसको एक्सटेम्परी भी बोल सकते हैं। अच्छा वर्ड है, फैमिलियर वर्ड है वो। ओके, वो चीज़ यहाँ पे बोल बताया गया है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चूज द ऑप्शन विच इज़ क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू द वर्ड गिवन कैपिटल्स। यहाँ पे बताना है कि मॉडरेट का क्लोजेस्ट मीनिंग कौन सा है। मॉडरेट का क्लोजेस्ट में, मॉडरेट मतलब क्या होता है, मीडियम या इंटरमीडिएट या एवरेज, मतलब माध्यम, मध्यस्थ जिसको बोल सकते हैं। तो इसका क्लोजेस्ट मीनिंग क्या हो सकता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा नॉट एक्सट्रीम। क्या हो जाएगा, नॉट एक्सट्रीम। ओके, नेक्स्ट, ये आपका यूपी टीजीटी 2016 में आया है। बिजार इसका मतलब क्या होता है, विचित्र या स्ट्रेंज। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसकी मीनिंग, वेरी स्ट्रेंज और अनयूजुअल। ओके, यहाँ पे भी वही पूछा है, बिजार मीन्स क्या होता है, वेरी स्ट्रेंज और अनयूजुअल। इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, इसका सिनोनिम्स आप वियर्ड बोल सकते हो, कि बहुत ही वियर्ड, जब हम कोई ऐसी चीज़ देखते हैं तो बहुत हमको वेरी स्ट्रेंज लगता है, या फिर अनयूजुअल, या फिर हम इसका वर्ड बोल सकते हैं वियर्ड। ओके, नेक्स्ट, एसीडुअस। एसीडुअस मीन्स क्या होता है, मेहनती, परिश्रमी। इसको आप डेलीजेंट भी बोल सकते हो, डेलीजेंट। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी, वर्किंग हार्ड एंड टेकिंग ग्रेट केयर। ओके, एसिडुअस मतलब ही होता है परिश्रमी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हमारा ये हो जाएगा, वर्किंग हार्ड एंड टेकिंग ग्रेट केयर दैट एवरीथिंग इज डन एज वेल एज इट कैन बी। यहाँ पे डिलीजेंट आपका आया हुआ भी। नेक्स्ट, अगली मीनिंग है यूबीक्यूटस। यूबीक्यूटस मीन्स क्या होता है, सर्वव्यापक, जिसको आप यूनिवर्सल बोल सकते हो। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी, सीमिंग टू बी एवरीवेयर एट द सेम टाइम, मतलब एक ही समय पर हर जगह प्रतीत होना, हर जगह रहना, उसी को बोलते हैं यूबीक्यूटस, यानी कि सर्वव्यापक, यूनिवर्सल। जैसे हम ईश्वर को बोलते हैं कि ईश्वर हर जगह रहता है सेम टाइम पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वही चीज़ यहाँ पे बताया, सीमिंग टू बी एवरीवेयर और सेवरल प्लेसेस एट द सेम टाइम। नेक्स्ट, द मीनिंग ऑफ वर्ड मिटिगेट। मिटिगेट का क्या मतलब है, यह उत्तराखंड जीआईसी लेक्चरर में आया था 2018 में। मिटिगेट का क्या मतलब है, तो मिटिगेट मतलब होता है कोई चीज़ कम करना, रिड्यूस करना, डिट्रैक, स्लैकन या डिक्रीज बोल सकते हो इसको आप। तो कोई चीज़ कम करना, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, लेसन। लेसन मतलब भी होता है कम करना। मिटिगेट मीन्स टू मेक समथिंग लेस हार्मफुल, सीरियस एट्सेट्रा। ओके, नेक्स्ट, वन मिनट, बाकी तो सब पता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द सिनोनिम ऑफ डिलीजेंट। डिलीजेंट का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या होता है, डिलीजेंट अभी हमने पढ़ा, एसिडुअस मतलब मेहनती, कठिन परिश्रम करने वाला, मेहनती। तो यहाँ पे डिलीजेंट मतलब भी होता है मेहनती। तो यहाँ पे हमारा डी इस करेक्ट हो जाएगा, हार्ड वर्किंग। डिलीजेंट मीन्स शोइंग केयर एंड एफर्ट, योर वर्क और एफर्ट। सिनोनिम ऑफ दिस वर्ड इज हार्ड वर्किंग। नेक्स्ट, यूटिलिटेरियनिज्म। यूटिलिटेरियनिज्म मतलब क्या होता है, उपयोगिता। ये आपका यूपी पीजीटी 2016 में आया हुआ है, उपयोगिता। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, बिलीफ दैट एंडोर्सेस ग्रेटर हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल। ओके, इसका मतलब होता है उपयोगिता कोई चीज। नेक्स्ट, एनिमोसिटी। एनिमोसिटी का क्या मतलब होता है, एनिमोसिटी मतलब दुश्मनी। इसको आप एनिमस भी बोल सकते हो, या इल ब्लड भी बोल सकते हो, या इल विल भी बोल सकते हो, या डिसलाइक भी बोल सकते हो। कि उसका इसका सिनोनिम अगर आएगा एनिमोसिटी का, तो आपका यही सब आएगा, एनिमस, इल ब्लड, इल विल, डिसलाइक। सो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ हेट्रेड। ओके,
वहाँ पे यहीं पे, यहाँ पे भी वही चीज़ दी हुई है। हम आगे बढ़ते हैं। चूज़ द एप्रोप्रिएट सिनोनिम फॉर द अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। डियर क्यूपिडिटी वॉज दियर डाउनफॉल, मतलब उनकी जो क्यूपिडिटी है वो उनका डाउनफॉल था। अब क्यूपिडिटी मतलब क्या होता है? क्यूपिडिटी मतलब होता है लालसा या लालच, जिसको आप क्रेविंग या हैंकरिंग बोल सकते हो, लालच। सो यहाँ पे ए इज करेक्ट हो जाएगा, ग्रीड। ओके, सिनोनिम ऑफ द वर्ड क्यूपिडिटी, क्यूपिडिटी मतलब लोभ, लालच, ग्रीड, लालच या तृष्णा, वही चीज़ यहाँ पे बताया हुआ। नेक्स्ट, ओके, आगे बढ़ते हैं। प्लेंटी पता ही है, जेनरोसिटी भी पता है, बाउंटी। ओके नेक्स्ट, नेमेसिस। नेमेसिस का क्या मतलब है? नेमेसिस मतलब होता है बदला। ओके, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एन एवेंजर। नेमेसिस मीन्स एन एवेंजर, द इनस्केपेबल एजेंट ऑफ समवंस आर समथिंग डाउनफॉल। नेक्स्ट, ओडिसी। ओडिसी मीन्स क्या होता है? ओडिसी मतलब होता है अ लॉन्ग एंड इवेंटफुल, या फिर बोल सकते हैं एडवेंचर जर्नी या फिर एक्सपीरियंस, मतलब अ लॉन्ग और इवेंटफुल जर्नी। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, अ लॉन्ग जर्नी। नेक्स्ट, जोवियल। जोवियल मीन्स क्या होता है? उल्लासपूर्ण, तो इसको आप प्लेसिड भी बोल सकते हो या ग्लैड या चीयरफुल बोल सकते हो। ओके, इसका अगर सिनोनिम में आएगा तो आप प्लेसिड, ग्लैड, चीयरफुल। सो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर जीनियल हो जाएगा। जीनियल का मतलब भी होता है प्लेसिड, खुश होना या उल्लासपूर्ण होना। ओके, तो वही चीज़ यहाँ पे बताया है, जोवियल मीन्स चीयरफुल एंड फ्रेंडली। सिनोनिम ऑफ अदर ऑप्शन, अदर का बताया है, जोकिंग का मतलब होता है, जोकिंग मतलब मजाक, सबको पता है। जेस्ट, जेस्ट मतलब क्या होता है? हंसी मजाक। बैंटर मतलब भी होता है मजाक, हंसी मजाक। जोकिंग सबको पता होगा, बट जेस्ट थोड़ा टफ लग रहा है, तो जेस्ट यहाँ पे हंसी होता है, बैंटर मतलब मजाक, तो दोनों का मतलब हुआ हंसी मजाक। ज्वाइंट पता ही है, लिंक या कनेक्शन। सो नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है एम्लेरियोट। एम्लेरियोट मतलब होता है उन्नति या सुधार, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इम्प्रूव। क्या हो जाएगा? इम्प्रूव। ओके, सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इम्प्रूव। नेक्स्ट, इसका और भी ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ पे वही चीज़ है, पूछा है कि एम्लेरियोट मीन्स इम्प्रूव, मेक बेटर। सिनोनिम और भी है, तो डेट्रियोरेट मतलब होता है डिक्लाइन, डीके, किसी चीज़ का डिक्लाइन या डीके। ओके, मीडिएट। मीडिएट मतलब होता है मॉडरेट या अंपायर, मतलब वही मध्यस्थ। नेक्स्ट, अल्मामीटर इज द प्लेस वेयर वन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अल्मामीटर इज द प्लेस वेयर वन, मतलब अल्मामीटर वो प्लेस है जहाँ क्या करते हैं। सो ए इज करेक्ट, स्टडी। नेक्स्ट, द सिनोनिम फॉर बोनाफाइड। बोनाफाइड का क्या मतलब होता है? यहाँ पे बोनाफाइड का क्या मतलब है? तो बोनाफाइड मतलब होता है ईमानदार, सच्चा। सो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, जेन्युइन, सच्चा। द सिनोनिम फॉर बोनाफाइड इज जेन्युइन। बोनाफाइड मीन्स ऑथेंटिक आर जेन्युइनली प्रेजेंटेड आर इन गुड फेथ। ओके नेक्स्ट, द वर्ड डिस्टिंग्विश्ड क्लोजली रिमेंबर्स, तो डिस्टिंग्विश्ड का क्या मतलब होता है? यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? इस मतलब क्या होता है? फेमस या स्पेसिफिक भी बोल सकते हो, डिस्टिंक्ट, इमिनेंट, ये सारे वर्ड हैं। सो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इमिनेंट, मतलब डिस्टिंग्विश्ड मतलब फेमस, स्पेसिफिक। ओके, और भी इसकी मीनिंग है, इमिनेंट मतलब क्लोज, नियर, इम्पेंडिंग, और इमानेंट मतलब इनहेरेंट या इंट्रिंसिक या इनेट। ओके, और भी यहाँ पे ऑप्शन बताया था। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है द सिनोनिम ऑफ अवेरी। अवेरी की सिनोनिम क्या है? सो अवेरी क्या होता है? अवेरी इज लार्ज केज फॉर बर्ड्स, मतलब जहाँ पे एक लार्ज केज होता है बर्ड्स के लिए, जहाँ चिड़ियों को रखा जाता है। सो यहाँ पे सी इज करेक्ट हो जाएगा, लार्ज केज फॉर बर्ड्स। नेक्स्ट, सीध। सीध सजेस्टेड। सीध मतलब क्या होता है? सीध मतलब होता है उबालना, खोलना, तो यहाँ पे हम बॉयल भी बोल सकते हैं, बॉयल, बबल ओवर या पॉपल। सो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, बॉयल।
यहाँ पे भी बताया है मीनिंग ऑफ सीड इज बॉयल और बी टर्बुलेंट एज इफ बॉइलिंग. ओके, और भी यहाँ पे मीनिंग बताया हुआ है. माइजरेबल मतलब होता है सोरोफुल, ड्राई मतलब होता है रिवील्ड, कैच मतलब होता है सीज. नेक्स्ट, द सिनोनिम ऑफ सार्डोनिक, द सिनोनिम ऑफ सार्डोनिक इज, सार्डोनिक का हमको बताना है सिनोनिम. सार्डोनिक मतलब होता है तिरस्कारपूर्ण या निंदापूर्ण. सो यहाँ पे इसका मतलब, इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, स्कॉर्नफुल. तो द सिनोनिम ऑफ सार्डोनिक इज स्कॉर्नफुल विच मीन्स साइनिकल, स्नीरिंग, मॉकिंग. इसको आप लोग क्या बोल सकते हैं, साइनिकल भी इसका सिनोनिम अगर करेंगे तो साइनिकल मतलब भी होता है तिरस्कारपूर्ण, स्नीरिंग, मॉकिंग या रिप्रोचफुल या स्कॉर्नफुल भी बोल सकते हैं. ईजी है इसको, स्कॉर्नफुल फैमिलियर वर्ड है. सो यहाँ पे सी इज करेक्ट. नेक्स्ट, इम्प्रोम्प्टू, इम्प्रोम्प्टू मतलब क्या होता है. तो इम्प्रोम्प्टू मतलब बिना तैयारी किए हुए, हम पढ़े थे ना. सो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑफ हैंड. ऑफ हैंड मतलब भी वही होता है, बिना तैयारी किए हुए कोई चीज़ करना. इम्प्रोम्प्टू मीन्स ऑफ हैंड, डन विदाउट बीइंग प्लान्ड, ऑर्गेनाइज्ड और रिहर्स्ड. मतलब कोई भी चीज़ करना बिना प्लान के, बिना ऑर्गेनाइज के, बिना रिहर्स के. इसमें आपका एक्सटेम्पररी भी आता है सिनोनिम में मीनिंग. ओके, अनइम्पॉर्टेंट मतलब होता है स्लाइट, अनइम्पॉर्टेंट मतलब होता है स्लाइट. अनरियल मतलब क्या होता है, इमेजरी. इफेक्टिव मतलब होता है इफेक्चुअल. बाकी वर्ड था यहाँ पे. नेक्स्ट, द सिनोनिम ऑफ अपेक्स इज, अपेक्स का क्या मतलब होता है, अपेक्स मतलब चोटी. तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पीक. सिनोनिम ऑफ अपेक्स इज पीक, इट्स मीनिंग इज द टॉप और हाइएस्ट पार्ट ऑफ अर्थ. मतलब इसका क्या मतलब होता है, अर्थ का जो सबसे टॉप और हाइएस्ट पार्ट हो, दैट इज कॉल्ड अपेक्स. ट्यूमल्टुअस मतलब क्या होता है, उतार चढ़ाव भरे. इसको आप लोग लाउड बोल सकते हो, लाउड या डिफेनिंग भी बोल सकते हो. सो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कॉजिंग डिस्टर्बेंस. ओके, यहाँ पे भी वही चीज़ बताया, ट्यूमल्टुअस मीन्स फुल ऑफ ट्यूमल्ट और राइटनेस, मार्क्ड बाय डिस्टर्बेंस एंड अपरोर और नॉइज. ओके, नेक्स्ट अगला है बोनमी. बोनमी मीन्स क्या होता है, तो यहाँ पे बोनमी मतलब होता है खुशमिजाजी या जिसको बोल सकते हैं गुड ह्यूमर. तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा. बोहमी मीन्स सोशल, फ्रैंक एंड सिंपल, गुड हार्टेडनेस या फिर गुड नेचर, मैनर, फ्रेंडलीनेस और जेनरलिटी. सो यही सारी चीज़ें हैं बोहमी का, बोनमी का. ओके, नेक्स्ट, विम. विम मतलब क्या होता है, विम मतलब होता है रंग या तरंग. इसको कंसीड भी बोल सकते हैं, इमोशन या फैड. सो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा डी हो जाएगा, फैंसी. ओके, नियरेस्ट मीनिंग ऑफ विम इज फैंसी, अ सडन और फ्रेकिश एंड ओड एंड कैप्रेसियस डिजायर. नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आज का, स्मेयर. स्मेयर मीन्स क्या होता है, धब्बा. इसका सिनोनिम अगर आएगा तो ब्लर आएगा, ब्लॉट, ब्लेमिश या फिर इसको आप बोल सकते हो स्मज, स्टेन, स्पेक या फिर स्कार. तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा मार्क. नियरेस्ट मीनिंग ऑफ स्मेयर इज मार्क आर स्पॉट, डर्टी विथ समथिंग ऑयली, ग्रेशी. ओके, तो और इसके में मतलब स्मेयर मतलब होता है धब्बा. तो और भी में मार्क भी आ सकता है, स्पॉट भी, और भी ब्लर भी आता है, ब्लॉट, ब्लेमिश, स्टेन, अच्छा वर्ड है स्टेन, स्पेक, स्मज. ओके, तो स्टूडेंट्स ये थे 29 क्वेश्चन जो बुक में थे, उतना हमने पढ़ा सिनोनिम्स के. ओके, जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के थे. तो कैसे लगे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा. चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा. और इसका PDF चाहिए तो आप हीना इंग्लिश क्लासेस से टेलीग्राम पे ज्वाइन हो सकते हैं. ओके, स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू फॉर